नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ रूम। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में। उस वक्त भड़कम मच गया जब वार्ड नंबर 1 की सभासद पद के प्रत्याशी सुमिंद्रा देवी का बेटा गोविंद, जो कि सदर तहसीलदार के ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है, फर्जी तरीके से वार्ड नंबर 1 के डेस्क पर मतगणना करता हुआ पाया गया। जानकारी दे रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता विनय श्रीवास्तव, जो मऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मऊ में मतगणना के समय फर्जी कर्मचारी मतगणना करता हुआ पाया गया है, क्या कुछ हो रहा है मऊ में? वार्ड नंबर 1 से की सभासद प्रत्याशी सुमित्रा देवी जी, उनका बेटा मिस्टर गोविंद जी थे जी, जो यहाँ सदर तहसीलदार के पद पर ऑफिस में कंप्यूटर के ऑपरेटर के कार्यरत थे जी, तो उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई थी वार्ड नंबर 1 के डेस्क पे जी, जहाँ वो खुद मतगणना काउंटर पे बैठे हुए थे, वो काउंटिंग कर रहे थे जी। विनय जी, एक सबसे बड़ा सवाल सामने ये आ रहा है कि फर्जी कर्मचारी अंदर गया कैसे, क्या उसका पास चेक नहीं किया गया क्या? क्योंकि वो ऑफिस में कार्यरत है तहसीलदार के ऑफिस में जी, और उनकी उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उस संजोग से जो ड्यूटी लगी थी उनकी ही घर की माँ के प्रत्याशी थी, वो खड़ी हुई थी उन्हीं पे ही, उन्हें काउंटर नंबर 1 डेस्क पर लगाया था। हाँ जी, तो क्या फर्जी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, केवल उसे मतगणना स्थल से बाहर कर दिया गया है? ऐसे में देखा जाए तो जब यहाँ के प्रत्याशियों ने इनकी देखी कि अरे तो खुद इसी काउंटर पे बैठे हुए जहाँ पे इनके इनका माता जी है, खड़ी हुई हैं, चुनाव लड़ रही हैं जी, जी, तो उन्होंने इसकी अधिकारियों से निर्वाचन अधिकारी से सूचना दिया जी, कि सर ऐसे बात है, तो उन्होंने आके देखा, देखने के बाद जब सही बात लगी कि हाँ ये घटना सही है जी, इसलिए उनको मतगणना केंद्र से उनको बाहर कर दिया गया। अच्छा, केवल मतलब विनय जी, केवल बाहर किया गया है या उस पर कोई कार्रवाई भी की गई है क्या? कुछ ऐसी कोई कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है, क्योंकि जो उन्होंने ये शिकायत की कि इस तरह की ये है इनके लड़के, ये क्या ये प्रत्याशी का बेटा है जी, तो ऐसे में उन्होंने कुछ केवल शिकायत करने के बाद उनको तुरंत ही वहाँ से ड्यूटी से उनको हटा दिया गया था जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनय जी। नाम है आपका? सर, मैं सुनील कुमार नाम है। उसके भाई है आप? जी जी। क्या मामला था? वो उसका ड्यूटी लगा था वहाँ पे, हाँ। तो अपना बैठ घूमने बैठ गया 5 मिनट के लिए उसमें, हाँ। फिर अपना चला गया। आपकी माँ भी उसमें थी? नहीं नहीं, यहाँ बाहर बैठे हैं। नहीं, आपकी माँ लड़ी हुई है किस प्रत्याशी? प्रत्याशी हैं। किस वार्ड संख्या? वार्ड नंबर 1 से। वो कर्मचारी आपका भाई है? हाँ, वो आप सर तजरा पद पर रहता है। किस पद पे रहता है? कंप्यूटर वो काम करता है, टाइपिंग वाला, वहीं तसला पास।